नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सी यूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा लोग फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के अली सर आ चुके हैं। तो फटाफट 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 से सेशन को लाइक शेयर कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है, चाय के साथ। ठीक है, आप सब जानते हैं कि आज हम लोगों का मार्च का पूरा हम लोगों का करंट अफेयर का सेशन होना है। तो चलिए फटाफट से जो लोग पूरे मार्च का मुझसे पढ़े हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जो बीच में जुड़े हैं उनका मार्च का कंप्लीट नहीं है। तो सिर्फ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, उन्हीं को आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो सभी लोग दोस्त यार जुड़ जाओ। ठीक है हर्षित भाई, क्लास के लास्ट में बताऊंगा यार, है ना, क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे इस पे। चलिए प्रणाम 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 आयुपम सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी बच्चा लोग, ठीक है, सचिन राणा, चलिए मयंक, हेलो बेटा, भूमि भूमि हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, ओके ओके, बढ़िया से चाय पीजिए और इस सेशन को एंजॉय कीजिए। चलिए आज का कोटेशन देख लीजिए, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। तो अपने आप को जंग लगने से बचाना है तो जीवन में हमेशा आप लोगों को मेहनत 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 करते जाना है, तब इन शख्स की तरह आप निखर पाओगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप सब जानते हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक है, खूब मेहनत की है इन्होंने तब जाके आज ये मुकाम हासिल किया है। तो आपको भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, अच्छा बढ़ना है, तो छोटे 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 कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना होगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग एक दिन अपनी मंजिल अपनी ऊंचाई जहाँ भी आप लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है, वहाँ तक आप लोग पहुँच सकोगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाता हूँ। मार्च की शुरुआत की बात है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने थे, चलिए फटाफट से उत्तर देंगे आप लोग। चलिए पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, चलिए पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यह आप लोगों को जवाब देना है। चलिए जल्दी से, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, चलिए तो शहबाज शरीफ बने हैं। कौन बने हैं बेटा, शहबाज शरीफ आप लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं। चलिए तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, वहां की जो नेशनल असेंबली है, सुनिएगा बेटा, पाकिस्तान की संसद को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल असेंबली बोलते हैं। जैसा मैं हमेशा आप लोगों को याद कराता हूं, अमेरिका में अमेरिका की जो संसद होते पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है, ऐसा ही रसिया के अंदर ड्यूमा कहा जाता है। ऐसा धीरे धीरे याद रखोगे तो सारी चीजें याद होती जाएंगी, है ना। तो ये आप लोग देखोगे नेशनल असेंबली ने 201 सांसदों का समर्थन आप लोग देखोगे, आप लोग इनको शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको हासिल होता हुआ दिखाई देंगे। ये पाकिस्तान के बारे में है, ठीक है, किसके बारे में बेटा, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान ये भारत से लगा हुआ दिखाई दे जाता है आप लोगों को। आप लोग जब मुझसे पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये खासियत देखने को मिलती है। फिर बता दूं बेटा आप लोगों को, शुरुआत की है मैंने, 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दूंगा भैया, मिनिमम 50+ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो खास खास हैं, ठीक है, जहां से जो क्वेश्चन बन ही सकते हैं आप लोगों के लिए पूरा। और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखोगे ना बेटा तो मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को मार्च से आते हुए दिखाई देंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए, राजधानी क्या है सर जी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी है, ठीक है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, और यहाँ की करेंसी है क्या, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। तो चलिए ये पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। चलिए नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है, मार्च की बात है भैया, इसी अपने मार्च की, इस मार्च महीने में आप लोग देखोगे नाटो का 32वां सदस्य देश बना है कौन, या कजाकिस्तान, मंगोलिया, सऊदी अरब या स्वीडन, चलिए कौन बना है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से बताइए कौन आप लोगों को नाटो का 32वां सदस्य आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले एक देश और जुड़ा था, उसमें भी मैं आप लोगों से इसमें चर्चा कर लूंगा। चलिए चलिए सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो कौन जुड़ा है सर जी, तो इसमें आप लोगों को स्वीडन देखने को मिलेगा, ठीक है, सारा खेल अभी नाटो का चल रहा है साहब, अरे पूरी दुनिया नाटो में पड़ी है, ठीक है। जैसे हम लोग देखें रूस यूक्रेन जो वॉर है,
यूक्रेन ने जीत की थी अपने पापा से, अपने पापा मतलब रसिया से, कि नहीं साहब मुझे तो, नहीं, मुझे तो नाटो लड़की बहुत पसंद है साहब, मुझे तो उसी से शादी करनी है। अब रसिया उसका पिता भैया, बाप कैसे तो बाप चाहेगा क्या कि एक बिल्कुल एक दूसरी से जाति की लड़की से शादी हो जाए साहब? नहीं, पिताजी ने मारा। फिर यही बात की लड़ाई है भाई, ठीक है। नाटो एक ऐसी लड़की है जो बेवफा लड़की है, ठीक है, उसी के चक्कर में यूक्रेन फंस गया, ठीक है। चलिए, पिताजी ने फिर घसीट घसीट के मारा। अब ऐसा ही स्वीडन के साथ हुआ है। स्वीडन आप लोगों को 32वां, ठीक है, आप लोगों को देश बनता, चलिए देखिए हंगरी की पार्लियामेंट ने, ठीक है, आप लोग देखोगे स्वीडन की नाटो में शामिल होने की दावेदारी को मंजूरी दे दी है साहब, ठीक है। स्वीडन स्वीडन आप लोग देखोगे नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है। इससे पहले, स्वीडन से पहले आप लोग देखोगे, ठीक है, फिनलैंड है ना, ये 31वां देश बना था बेटा, ठीक है, 31वां देश बना था। अच्छा, आप लोग सोचते होगे सर कि नाटो में शामिल होने के लिए सब लोग मर क्यों रहे हैं? नाटो बेटा आप लोग देखोगे, ठीक है, नाटो पे मैं आप लोगों को चर्चा करूं तो नाटो है क्या, ठीक है, नाटो यहां देखिएगा, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थित देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक है और एक सैन्य गठबंधन है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सैन्य गठबंधन है, मतलब इसके जितने भी सदस्य हैं वो आप लोग देखोगे इस पे अगर कोई जुड़ गया तो जब भी कोई किसी पे वॉर करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो जैसे दोस्त यार नहीं होते, पक्के पक्के दोस्त, खास है भाई, हम खास दोस्त हैं, तो नाटो भी वैसे ही खास दोस्त हो जाते हैं। मतलब एक की लड़ाई हुई तो भी सबके सब चौराहे पे पहुंच जाएंगे। अरे कहां पहुंच जाएंगे? सब चौराहे पे, हा, फिर घसीट घसीट के मारेंगे। लेकिन इनमें अमेरिका एक ऐसा दोस्त है नाटो के अंदर जो वो फोन पे बुला लेता है, हाँ भाई भाई तू लड़ मैं हूं तेरे साथ, और चौराहे पे आता नहीं भाई, समझ रहे? तो अमेरिका के चक्कर में जो भी देश पड़ा है उसकी खूब पिटाई हुई है, इतिहास उठा के देख लो, ठीक है। तो सैन्य संगठन है साहब। अब यूक्रेन को यही लग रहा है कि मैं शामिल हो गया किसमें, नाटो में, तो भैया मेरी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, नाटो की सारी मिलिट्री यूक्रेन के अंदर, और रसिया जो है, ठीक है, इसको हम लोग मजा चखा देंगे साहब, कि नहीं। तो यही सारा खेल है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा नाटो पे चर्चा कर लेते हैं, मुझे तो खास पे इस पे भी चर्चा करनी है आप लोगों को। नाटो कब बना, ठीक है, तो अप्रैल 1949 में आप लोगों को नाटो बनता हुआ दिखाई देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है सर जी, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल से बेल्जियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। महासचिव कौन है? तो जेन स्टॉल, ठीक है, स्टॉल्टेनबर्ग देखने को मिलेंगे। और नाटो के शीर्ष कमांडर कौन है? तो क्रिस केवली आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मार्च माह का ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। चलो चलो जल्दी से, और सेशन को लाइक कर लो यार, ठीक है, जल्दी फटाफट से सेशन को लाइक कर लो। सेशन को लाइक भाई, तब मजा आएगा यार, है ना, सेशन का मजा तब है जब सभी लोग लाइक मार दो फटाफट से। चलिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? क्या 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, कब मनाया जाता है? तो बच्चा देखो 3 मार्च, देखिएगा 3 मार्च को हर साल दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है साहब, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बराबरी से क्लासेस को देखते रहेंगे, ठीक है। 2014 में पहली बार आप लोग देखोगे वर्ल्ड लाइफ डे मनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है सर जी, क्यों मनाते हैं हम लोग? तो दुनिया भर के जीव जंतुओं को हम लोग संरक्षित कर सकें, इसी पर्पस के साथ इसको मनाया जाता है साहब। चलिए, तो याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले सीयूटी, ठीक है, वन्य विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है सर जी? तो 3 मार्च इसका राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, पर्यावरण संबंधित, मतलब मैं बात करूं इन्वायरमेंट संबंधित जितने भी, ठीक है, भारत सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उन सबकी एक लिस्ट है, ठीक है। आप लोगों को ये, आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों तक डिलीवर भी हो जाएगी सब, मैं बता दूंगा कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगी जो नए बच्चे हैं उनको, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, हम वनों को संरक्षित, ठीक है, आप लोग देखोगे कैसे कंजर्व कर सकते हैं उनको, ठीक है। एक वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था 1981, अगर कोई वायु प्रदूषित करता है, ठीक है, तो इसके उसके ऊपर इसी एक्ट के तहत सजा सुनाई जाती है साहब उसे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम खूब पूछा जाता है भैया ये क्वेश्चन, है ना, जनरल टेस्ट में इसको हल्के में ना लीजिएगा आप लोग। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 में आया था बेटा। चलिए, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, ये भी इंपोर्टेंट, जिसके ऊपर डबल स्टार लगा रहा हूं ना, थोड़ा सा इसको देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002 में आया था। राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? 2002 में आई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में आई थी। वन अधिकार अधिनियम 2006 में। तो सारी लिस्ट बनी है, इसको आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग राधे राधे बेटा,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करंट अफेयर बाय अली सर पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, है ना, टेलीग्राम पे आप सर्च करते हो तो। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना सुनिएगा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ठीक है कहाँ चलाई गई है ये बताना है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ये शुरू की गई, चलिए बताइए फटाफट से कहाँ पर ये योजना चलाई गई बताना है आप लोगों को, स्पीड से भाई थोड़ा सा स्पीड से, है ना। चलिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में चलाई गई है, क्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या जम्मू कश्मीर, ठीक है। वैसे बता दूं बच्चा, ये जहां भी चलाई गई है उसके बारे में थोड़ा सा, 18 साल से अधिक की कोई महिला है, अरे 18 साल से अधिक की कोई महिला है ठीक है, अधिक की कोई महिला है ठीक है, अधिक की कोई महिला है तो उसे बेटा ठीक है 1,000 रुपए, ठीक है 1,000 रुपए, ठीक है 1,000 रुपए क्या दिया जाएगा तो सहायता राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ठीक है ये लेकर आई है दिल्ली सरकार, कौन लेकर आई है, दिल्ली सरकार लेकर आई है ठीक है, जीजाओं के पॉकेट से लेकर बहनों को देने की स्कीम पूरे भारत में चल रही है साहब, ठीक है इसमें पता ही नहीं चल रहा कि जीजा का कितना कट रहा है, ठीक है चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो दिल्ली ठीक है 18 वर्ष से अधिक कोई महिला है भैया मुझे सुन पा रहे हो, तो 1,000 रुपए सरकार वहां की देगी ठीक है, अभी तो मुख्यमंत्री की अते पते नहीं किधर चले गए साहब। चलिए, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई है। दिल्ली के बारे में देख लो थोड़ा सा, दिल्ली से वैसे आप लोगों का जाने का सपना भी संजोए बैठे हैं कि सर डीयू से पढ़ेंगे ठीक है, कोई जामिया का सपना देख रहा है। चलिए, राजधानी क्या है, नई दिल्ली है साहब, उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री तो खिलौना है साहब, सब सारी पावर तो इसी बंदे के पास है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से आते हैं, विधानसभा सीट 70 है ठीक है और लोकसभा सीट 7 है, सारा खेल लोकसभा सीट का है साहब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब राज्यों से संबंधित कुछ योजनाओं की लिस्ट बनी है बेटा तुम लोगों के लिए ठीक है। देखो आप लोग नए हैं तो आप मेरा रेगुलर जो सेशन लेते हैं करंट अफेयर का, आई होप आपको चीजें समझ में आती होंगी कि मैं जब भी कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है तो उसके पीछे की जितनी भी चीजें होती हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। ऐसे यहां पे भी है लिखा था, मैंने क्या कि इसको भी यहां पे डाला जाए, वन मित्रा योजना हरियाणा सरकार लेकर आई है, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा तुम लोगों के लिए, आप लोगों को सीधा इसकी इस एग्जाम में पेपर में लिख देगा वो ठीक है, चार योजनाओं के नाम लिखेगा उधर सामने राज्य लिख देगा, जोड़ी मिलान कीजिए। विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार लेकर आई है, आबुआ आवास योजना झारखंड सरकार लेकर आई थी ठीक है आदिवासी लोगों के लिए, वहां पर लाडली बहना योजना, आ हा 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 1200 रुपए मिल रहा है, पहले 1500 1200 कर दिए इसमें ठीक है। चलिए, इसमें भी पैसे बांटा जाना है, फ्री रेवड़ी ठीक है। गृह लक्ष्मी योजना ठीक है कर्नाटक सरकार लेकर आई थी, अभी और भी योजनाएं आप लोगों को बीच बीच में आती रहेंगी, आप लोग इस प्रकार की योजनाओं का आनंद लेते रहेंगे। चलिए, बहनों को ठीक है खूब सारे गिफ्ट दिए जाते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5th एडिशन किस देश में पहली बार आयोजित किया गया है, 5th एडिशन था लेकिन किस देश में ये पहली बार हुआ है, चलिए श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया या सिंगापुर, चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर। चलो चलो, और सेशन शेयर करो यार, है ना, सेशन को शेयर कर दीजिए, चलो जल्दी से इसका राइट आंसर, चलो 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 बच्चा बाड़ी, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट 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 आंसर, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ज्यादा नहीं रुकूंगा है ना क्योंकि क्वेश्चन है भाई हमारे पास ठीक है, श्रीलंका इसका राइट आंसर बेटा ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया है साहब, इसमें गीता यज्ञ होगा, गीता जप होगा, शोभा यात्राएं निकलेगी, कई आप लोग देखोगे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, अच्छा है ठीक है, कम से कम हमारी संस्कृति फेल तो रही है ठीक है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है साहब, चलिए ये बहुत बढ़िया किया गया है साहब गर्भपात के अधिकार को। चलिए, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या इटली, ये तो सिर्फ कहां हो सकता है, यूरोप में ही हो सकता है, चारों ऑप्शन भी यूरोप के ही है, अरे सारे ऑप्शन ही किसके हैं, तो यूरोप के अमेरिका को छोड़ के। तो चलिए बताइए, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, चलिए लगाइए भैया इसमें भी, क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलो चलो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर है फ्रांस, बी ठीक है, फ्रांस में ऐसा हुआ है कि गर्भपात का अधिकार मतलब अब अबॉर्शन जो है ठीक है वो भी संवैधानिक राइट बन गया भाई, वाह सही बात है यार, मतलब बच्चा गिराना सही है, बहुत शानदार भाई, सही है, अच्छी बात है, भारत में नहीं कर दे भाई, भारत में नहीं होगा। चलिए, फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कर लिया है। फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया,
जिसमें 780 ने पक्ष में वोट डाला और 72 लोगों ने विपक्ष में। ये 72 भी विपक्ष में क्यों गए साहब, ये भी इनके साथ 780 लोगों के साथ चले जाते। चलिए, उद्देश्य क्या है सर जी, गर्भपात के अधिकार को मजबूत करना है। 1975 में फ्रांस ने एक कानून पास किया था जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी में डाल दिया था, ठीक है, बाहर कर दिया था, सॉरी। तो चलिए, ये सब फ्रांस की बातें हम लोग दिल पे ना लें। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फ्रांस के बारे में देख लो बेटा। फ्रांस की राजधानी क्या, याद ऐसे ही हो जाएगा बेटा आप लोगों को, स्टेटिक, ये सब स्टेटिक के फैक्ट होते हैं, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है सर जी, पेरिस है। राष्ट्रपति कौन है, तो मैनुअल मैक्रों है। प्रधानमंत्री कौन है, गैब्रियल अटल है। मुद्रा क्या है सर जी, करेंसी क्या है, तो यूरो चलती है क्योंकि ये यूरोपियन संघ का पार्ट है। चलिए, ये फ्रांस है जो कि बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, ठीक है, इन देशों से आप लोगों को घिरावा देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अदिति योजना की शुरुआत किसने की है, क्या राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी। चलिए, अदिति योजना की शुरुआत किसने की है, अदिति योजना की शुरुआत किसने की, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी। चलिए फटाफट से बताइए किसके द्वारा यह की गई है, अदिति योजना की शुरुआत किसने की है, अदिति योजना की शुरुआत किसने की है। तो देखिएगा, अदिति है क्या, पहले तो एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ एडिक्ट। चलिए, तो इसमें आप लोग देखोगे डेफ कनेक्ट 2024 के उद्घाटन के दौरान अदिति योजना की शुरुआत राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। यह योजना 2 वर्ष के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो राजनाथ सिंह आप लोगों को इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं देख लीजिए, ठीक है, केंद्र सरकार की, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, जल जीवन मिशन 2019 में आया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में आई थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में आई थी, पीएम मित्रा योजना 2021 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी लिस्ट फिर से बना के दे दी आप लोगों को, जिसपे आप लोगों को नजर डालना चाहिए। चलिए, इंद्रम्मा, इंद्रम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है। चलिए, इंद्रम्मा आवास योजना, इस पर भी चर्चा करूंगा, ठीक है। ये भी आप, ये वाली योजना, इस प्रकार की आवास वाली योजनाएं सही होती है, गरीबों को घर तो मिलता है साहब कम से कम, ठीक है। इंद्रम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। चलिए बताइए, इंद्रम्मा आवास योजना, डिटेल में चर्चा करते हैं इस पे, ठीक है। चलिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, और सेशन को सभी लोग लाइक कर ले बच्चा, है ना। इंद्रम्मा आवास योजना, कई बच्चों का रिविजन हो रहा होगा और कई बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे। और एक चीज और बता दो बेटा, आप सभी 200 लोग है ना शाम को भी आएंगे, शाम को, आज जनवरी का कराऊंगा, शाम को 6 बजे बेटा सुन लो, शाम को 6 बजे जनवरी मंथ का। तो देखो, मैंने पूरे पूरे मंथ के भी करा दिए बेटा, देखो मैंने नवंबर करवा दिया आप लोगों को, ठीक है, नवंबर हो गया हम लोगों का, दिसंबर हो गया हम लोगों का, ठीक है, पीछे करवा चुका हूं मैं ना, मैं आप लोगों करंट अफेयर बाय अली सर से जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल से, मैं आप लोगों को सारे वीडियो के लिंक दे दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। तो नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, आज जनवरी करा दूंगा, ठीक है, जनवरी करा दूंगा बेटा, मार्च आज हो गया हम लोगों का, बचा क्या बीच में, फरवरी बचा है ना, फरवरी बचा, तो वो अगले संडे को करा देंगे भाई, ठीक है। सारे आप लोगों के ये मंथ धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, इनके सबके लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, करंट अफेयर बाय अली सर पे, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है बेटा, तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना, ठीक है, इसका राइट आंसर है इंद्रम्मा आवास योजना। क्वेश्चन आएगा भाई, देखिए इंद्रम्मा आवास योजना को देखिए बेटा, तेलंगाना सरकार ने 11 मार्च को इसको लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया बेटा, 11 मार्च को, और ये अब जो जितना भी तेलंगाना का विधानसभा क्षेत्र है उनमें 35, आप लोग देखोगे 3500 घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब सुनिएगा बेटा, मैं कुछ बोलने वाला हूं इधर से, अब बेटा 3500 घरों का निर्माण करवाएगी कौन, तेलंगाना सरकार, अपने विधानसभा क्षेत्रों में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये कितने लाख दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए, समझ रहे ना, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसके पास प्लॉट नहीं है उसको प्लॉट खरीद के दिया जाएगा, तो प्लॉट प्लस 5 लाख, आ हा हा, मौज हो गई भाई तेलंगाना के लोगों की। इसके साथ एक चीज और सुनिएगा, जिसके पास प्लॉट नहीं उसको प्लॉट भी दिया जाएगा 5 लाख के साथ, लेकिन जिसके पास प्लॉट है उसको 5 लाख दिए जाएंगे, अच्छी योजना है। हाँ भैया, दीक्षा क्विज भी होता है रात को, रोज 10 बजे होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई, डाक, ठीक है, डाक मतपत्र के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तुम आप लोग सोच रहे हो सर हमारे यहां तो वो हम लोग वो बता ईवीएम दबाते हैं, लेकिन बच्चा हमारे यहां डाक मतपत्र से भी आप लोग देखोगे वोटिंग होती है। कौन करते हैं सर जी, जो हमारे यहां वृद्ध लोग होते हैं जो जा नहीं पाते हैं, तो जो चुनाव आयोग होता है वो हर मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव का सर्वे कराता है, देखता है कि कितने यहाँ पर, ठीक है, वृद्ध लोग हैं,
फिर उनकी, तो अभी इस साल आयु निर्धारित कर दी गई कितनी बेटा 85 ईयर, कितनी 85 वर्ष से अधिक लोगों को पास खुद चुनाव आयोग घर में डाक मत्र आएगा बेटा और वो क्या कर सकेंगे अपना वोट डाल सकेंगे। ठीक है चलिए, तो वोट डाक मत्र पत्र से होगा। तो 1 मार्च को सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मत्र पत्र माध्यम, ठीक है, मत पत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। ठीक है, पहले यह आयु 80 वर्ष थी लेकिन अब कितनी कर दी है 85 कर दी है। चलिए 85 वर्ष के लोग भारत में है भी। चलिए आगे थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में देख लो। वैसे चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है, 24 से लेकर 329 तक आप लोग देखोगे आर्टिकल तो आप लोगों को चुनाव आयोग से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। किससे संबंधित देखने को मिल जाते हैं बेटा, चुनाव आयोग से संबंधित देखने को मिलते हैं। सर चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को की गई है। सर ये किस किस के चुनाव करवाता है, तो आप लोग देखोगे ये लोकसभा के चुनाव जो कि अभी होने वाले हैं साहब हमारे यहाँ पर 7 फेजों में, राज्यसभा के चुनाव कराता है, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। चलिए तो ये सारे चुनाव कराता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है केंद्रीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन, वो निम्नलिखित में से किन किन के चुनाव कराता है। और राज्य चुनाव आयोग जो होता है, सुनिएगा, राज्य चुनाव आयोग जो होता है, राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो किसके चुनाव कराता है बेटा, तो जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, ठीक है, नगर पालिका के, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनके चुनाव कराता है बेटा, है ना। तो चलिए ये हम लोग यहां पर पढ़े हैं। हाँ भाई दीक्षा भैया, आज जरा देख थंबनेल में क्या लिखा है बेटा, पूरे मार्च का। अब मैं मार्च का करंट अफेयर बदल दूं क्या, उल्टा पढ़ा दूं क्या बेटी, या नहीं बेटा, मार्च का करंट अफेयर पूरे मार्च का है ना बेटा। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन हुआ है। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन हुआ है कहां, क्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता, चलिए बताइए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन हुआ है कहां, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता, चलिए बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ठीक है, भारत की पहली अंडर, और खास खास क्रीम क्रीम क्वेश्चन है जो आप लोगों को एक बार और नजर से आप लोगों के सामने से गुजरना चाहिए। फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है, अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन लाया ही नहीं हूं मैं एक भी, जो आप लोगों तक सही पहुंचना चाहिए और उनका रिविजन होना चाहिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है यही आपको बताना तो चाहिए। इसका राइट आंसर है कलकत्ता। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है बेटा। क्या इसका राइट आंसर है, तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिस बच्चे को नहीं पता है भैया, ये क्लास रोज सुबह 8 बजे चलती है ना। चलिए, तो पीएम मोदी ने, सुनिए, पीएम मोदी ने कलकत्ता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। वैसे आप लोगों को बता दूं बच्चा, सर्वप्रथम भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी कलकत्ता से ही की गई थी। सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन कहां चली है बेटा, सर्वप्रथम तो कलकत्ता में ही चली। कब चली है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरे पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में कब चली थी बताइए। तो चलिए, और पहली अंडर वाटर ट्रेन भी, मतलब पानी के अंदर, चलिए तो ये मोदी जी पानी के अंदर ही बैठे हैं साहब इसमें। ठीक है, हुगली नदी में देखोगे उसके नीचे 520 मीटर की लंबी एक टनल बनाई गई है, उसके अंदर आप लोगों को मोदी जी देखने को मिलेंगे। चलिए, ये ट्रेन अंडर वाटर वाली, ये हम लोगों की प्रतिज्ञा बेच आ गए भैया। ठीक है, आप लोग बता दूं, आज ये 1750 की हो गई है भाई। ठीक है, आप लोग देखोगे जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका आज लास्ट दिन है, इसीलिए आज आप लोगों के लिए ऑफर हुआ है। ठीक है, जो भी ले ये कोड लगा दे Y766। 3 दिन की रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगी प्रतिज्ञा, क्योंकि 27 से चालू हो चुकी थी। जो भी ले वो यहां मुझे संपर्क कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं रुकूंगा भाई, है ना। भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है, क्या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु, चलिए बताइए। OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप लोग देखते हो ना, आप लोग अभी आप लोग फोन वा देखते हो, फोन में आप लोगों को वो नेटफ्लिक्स वा देखता है, आप लोगों को प्राइम देखने को मिलता है, आप हॉटस्टार, अब तो जियो भी पैसे पे ले आया भाई, अभी 1 साल तो उसने बढ़िया से फ्री में दिया हम लोगों को, नहीं अब उसने भी लॉन्च कर दिया पैसे वाला सिस्टम। तो बच्चा सुनो, ये OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी बताऊंगा। OTT की फुल फॉर्म क्या होती है, ओवर द टॉप। कई बार तो कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता OTT का मतलब क्या है, तो OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। और केरल सरकार बेटा, ठीक है, ऐसी सरकार बन गई है जिसका खुद का अब सरकारी OTT प्लेटफॉर्म होगा। अब तक ये आप लोग जितने भी चीजें देख रहे हैं ये सब क्या है बेटा, तो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है। तो CM वहां के जो है पिनराई विजयन, ठीक है, इनके द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है, और इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है सी स्पेस। क्या नाम रखा गया बेटा, याद रखिएगा, इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, तो सी स्पेस रखा गया, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा,
है ना। लेकिन ये दौर तो फिर भी अच्छा देख पा रहे हैं आप, आपको मोबाइल में घर बैठे मूवी देखने को मिल रही है, लेकिन और मैच भी देखने को मिल रहा है भाई। लेकिन हमारे दौर में बेटा हम लोगों को मैच देखने के लिए, हाँ हमारा दौर ही कहूंगा क्योंकि 34 ईयर की उम्र है और आप लोग सब 17, 18 या 16 के होंगे, कोई 15 का भी होगा, लल्ला जो बचपन में जल्दी पढ़ने लगा होगा तो 15 साल का होगा, ठीक है, तुम लोगों से जस्ट डबल हूं मैं। तो हमारे दौर में हमको दूर दूर मैच देखने जाना पड़ता था, घर में वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसका एंटीना ऐसा टूटा होता था, उसको हल्लाना पड़ता था, एक भैया को पहले चेक कराना पड़ता था, भैया आया क्या सिग्नल, आया क्या सिग्नल, यही करते रहना पड़ता था भाई। सही बता रहा, वास्तविकता है। तो चलिए याद रखिएगा थोड़ा सा, इसका उद्देश्य क्या है, केरल सरकार क्यों लेकर आई है, तो लोगों को सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, मनोरंजक कंटेंट वहां तक उपलब्ध हो सके, इसके लिए लाई थी, ठीक है। नेवल फॉर कॉलेज जो कि गोवा के अंदर है, उसके अंदर चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है? अरे नेवल फॉर कॉलेज कहां है? गोवा के अंदर बेटा, और उसमें चोल भवन का उद्घाटन किया है क्या पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या अनुराग ठाकुर? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आयुपम बोल रहा है भाई तू तो पैदा ही नहीं हुआ है भी। भाई तू पैदा ही नहीं हुआ आयुपम, तू पैदा नहीं हुआ भाई। चलिए नेवल फॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ठीक है। तो रक्षा मंत्री आप लोग देखोगे राजनाथ सिंह, ठीक है, इन्होंने नेवल फॉर कॉलेज जो कि गोवा के अंदर है इसमें चोल भवन, सर अली सर चोल भवन क्या है बेटा? चोल भवन वो है, तुम जब कॉलेज के अंदर अभी पढ़ लोगे, डीयू बीएचयू एयू के अंदर, जामिया के अंदर जब पढ़ लोगे, यूपीएससी जब तुम लोग कर लोगे, कलेक्टर बन जाओगे, ठीक है, कोई डीएम कोई एचडीएम ये वो फलाना फलाना बन जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है कि किसी के पोस्टिंग गोवा के अंदर हो जाए, तो गोवा के अंदर होगी तो समय समय पर उनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिलवा दी जाती है। तो ये आप लोग देखोगे एक प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण भवन स्थापित किया गया गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा सरकार के लिए कि वो अपने अधिकारियों को यहां पर ट्रेनिंग दे सके, कहां, चोला भवन पर। याद करो बीच में मैंने आप लोगों को किसी दिन सारे जितने भी हाल ही में जितने भी भवन बने हैं उनकी लिस्ट बना के दे दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, आहा ठीक है, अब हमारी दूसरी सरकार भी कहां पीछे रहने वाली है, ठीक है, विपक्ष वाली, ठीक है। चलिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? यह भी फ्री की रेवड़ी वाली भाई, वही जीजा से लो और बहन को दो। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, राजनाथ सिंह, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। चलिए बताइए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, चलिए इसके बारे में बताइए जल्दी से फटाफट से, इसका राइट क्या होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेटा, चलिए हिमाचल प्रदेश, क्या राइट आंसर होगा बेटा, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। और सभी लोग सेशन को शेयर करो यार, मजा आ जाना चाहिए, 300 प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की घोषणा की है साहब, ठीक है। चलिए ये आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी यहां देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए इस योजना के तहत सुनना, इस योजना के तहत क्या होगा साहब, बच्चा इसमें 1500 रुपए मिलेंगे, आहा हा, हिमाचल प्रदेश का कोई बंदा देख रहा है साहब, मोजे भाई, ठीक है भैया, शादी करोगे करियर सेट है, क्योंकि एक साल में तुम्हें, ठीक है, अगर आपकी जो जिससे आप शादी करेंगे उसकी उम्र 18 से अधिक है, ठीक है, चलिए तो आपको एक साल में 18,000 रुपए मिल जाएंगे साहब, चलिए अच्छी बात है, 1500 रुपए हर, देखो कितना, छत्तीसगढ़ सरकार आप लोग देखोगे महतारी वंदना योजना लेकर आई, सुनिएगा मैं सीख ना दूंगा, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, उसमें भी पैसे बांटे जा रहे हैं, ठीक है। सुख सम्मान निधि दिल्ली सरकार, अरे अभी भी महिला सम्मान निधि लेकर वो योजना लेकर आई ना पीछे, बताया 1000 रुपए मिलेंगे, एक योजना ये आ गई है, और एक लाडली बहना योजना अली सर के प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, क्या नहीं भैया, तो सब जगह यही सारी चीजें चल रही हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साहब, और सारे एक एक अभी आखिरी में आप लोगों को पूरी एक लिस्ट दूंगा पूरे मार्च के दिवसों की, उस पर नजर मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है सर जी, क्या 8 मार्च, 7 मार्च, 5 मार्च या 6 मार्च? ये क्लास रोज 8 बजे चलती है बेटा, बता दू जो बच्चे नए हो, ठीक है। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, रोज पीडीएफ बढ़िया से डालता हूं, और क्विज भी होते हैं टेलीग्राम चैनल पर, करंट अफेयर बाय अली सर सर्च कर टेलीग्राम पे, उससे जुड़ जा बेटा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। सर महिलाओं को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं भाई, तो एक बार उनका इतिहास उठा के देख, महिलाओं का इतिहास में जितना शोषण हुआ, जितनी उनके प्रति कुरीतियां रही, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, ठीक है, चाहे वो हम लोगों को वो देवदासी प्रथा हो, और उनके प्रति जो रूढ़िवादी सोच हो कि ये चूल्हा ही तो जलाएगी क्या ही करेगी,
इस कारण हम लोग अंतरराष्ट्रीय आप लोग देखोगे महिला दिवस मनाते हैं कि उनको भी सम्मान के नजरिए से देखा जाए। सही बता रहा बेटा, इतिहास में किसी का शोषण हुआ है तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोगों का, एक तो गरीब दबे कुचले लोगों का और एक महिलाओं का। जो शुरू से पैसे वाले रहे उनका कोई शोषण नहीं हुआ साहब, और ना ही कोई कर सकता था उनका, ठीक है। चलिए, तो हर साल 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है साहब। वैश्विक स्तर पर पहली बार आप लोग देखोगे 1911 में, ठीक है, वर्ल्ड वुमन डे मनाया गया था, लेकिन आप लोग देखोगे यूनाइटेड नेशन ने 1977 से इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए, कब से शुरुआत की थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं से संबंधित सारे दिवस, ए लल्ला सारे दिवस है महिलाओं से संबंधित, तो सब आप लोगों को मेहनत करना ही नहीं है, क्या करना। देखो क्वेश्चन आया महिलाओं से संबंधित, अली सर ने क्या कर दिया, तेरे को लिस्ट दे दी है, ठीक है, पहले भी दी होगी। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, ये जब आया था हम लोगों ने चर्चा किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, 11 अक्टूबर को। महिला समानता इक्वलिटी डे, ठीक है, 26 अगस्त आएगा जब चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 28 मई को मनाया जाता है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, लल्ला आजा 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 आजा। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, एनएसओ, जो कि आप लोगों को 1950 में बना था, ठीक है, यही तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। चलिए बहुत बढ़िया, अरे यही क्या करता है सर जी, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है, यही आप लोग देखोगे नेशनल इनकम को भी गिनने का काम करता है। चलिए, इसके अनुसार 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो गई है, रोजगार किस किस को मिला है भाई। चलिए, पूछा जा रहा है इसमें कि भारत की बेरोजगारी दर कितनी गिर गई है, ऐसे इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, है ना, इसीलिए इसको डाला है मैंने, कितनी बेरोजगारी दर गिर गई है हमारी, ठीक है। चलिए, तो 3.1% गिरी, बहुत गिरी यार भाई, चलिए अच्छी बात है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा नवीनतम रोजगार और बेरोजगारी संकेतक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत की बेरोजगारी दर उसने पिछले साल के मुकाबले में 3.6 से घटाकर, ठीक है, 3.1 आप लोग प्रतिशत होने की उम्मीद जताई है साहब। चलिए, अच्छा, अच्छी बात है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, क्या बताना है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ठीक है, विधवा, देखो भाई बहुत अच्छी योजना है, ऐसी योजनाएं आना चाहिए, ऐसी योजनाओं का सम्मान है, अरे ऐसी योजनाओं का क्या है, सम्मान है। कहां की बात है बेटा, तो झारखंड की बात है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं इस पे, चंपाई सोरेन की हम लोगों की सरकार है साहब, ठीक है, देखिए सोरेन साहब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, चंपाई सरकार, ठीक है। तो चलिए, चंपाई सोरेन की मैं बात करूं, ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आप लोग देखोगे, और विधवाओं को, मतलब होता है ना बेटा, मतलब सीधी बात है, इन्होंने अपने राज्य के अंदर विधवा विवाह के लिए एक स्कीम लॉन्च की, तो मतलब सीधी बात है इनके राज्य में विधवाओं के विवाह नहीं होते होंगे साहब, समाज के अंदर कुंठित मानसिकता काम करती होगी कि नहीं, विधवा है इससे कौन शादी करेगा, तो अब उसके अंदर कॉम्पिटिशन पैदा कर दिया चंपाई सरकार ने। क्या कहा सर जी इसमें, इसमें कहा है कि जो भी महिला विधवा पुनर्विवाह करेगी, मतलब दूसरी शादी कर लेगी, उसे 2 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। ओहो हो हो, ठीक है, जीजा फिर से सेट इसमें भी, ठीक है। चलिए, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे बेटा, कितने, 2 लाख रुपए, अच्छी स्कीम है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए, इसे कहते हैं प्रोत्साहन देना बेटा। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, क्या कनिष्का शर्मा, वैष्णा पिचाई, यतिन भास्कर दुग्गल या अभिनव बिंद्रा। चलिए, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो चलिए वैसे बता दूं आप लोगों को, 5वें अंतर्राष्ट्रीय आप लोग देखोगे, 5वें अंतर आप लोग देखोगे, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन पूरे देश में हुआ था, और ये 9 फरवरी से 6 मार्च तक हुआ है साहब, ठीक है, और इसमें यतिन भास्कर दुग्गल ने, ठीक है, आप लोग देखोगे इसका पुरस्कार जीता है, किसने जीता है बेटा, तो यतिन दुग्गल इसने, इनके द्वारा ये जीता गया है। चलिए, पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कब हुआ था, 2019 में आयोजित किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है सर जी, क्यों इसको आयोजित किया जाता है, तो अब भारत के अंदर लोकतंत्र की जो डेमोक्रेसी है इसकी जड़ों को ज्यादा ज्यादा क्या किया जाए, मजबूत किया जाए, इसी उद्देश्य के साथ में इसको किया जा रहा है। चलिए, अब बात आई थी कुछ पार्लियामेंट से संबंधित, तो उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद, 3 आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 79 में आप लोग देखोगे हमारा जो पार्लियामेंट है इसका गठन कैसे किया जाएगा, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनसे मिलकर संसद बनी होगी, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। आर्टिकल 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा का गठन का प्रावधान है, और 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। चलिए, ऐसे धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरा जाएगा, अब वो सारी रिपोर्ट आ जाएंगी बेटा अली सर की, ठीक है, अली सर ने सारी रिपोर्ट तेरे लिए डाल दी बेटा,
सारी रिपोर्ट ले जा भाई, बढ़िया से रिपोर्ट में नजर मारो भाई। मैं कहता हूं ना, इतना बार दोहरवा दूंगा इन चीजों को, यही याद हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे याद होता है भाई, रटने से नहीं कि एक दिन बैठ गए दिन भर इंडेक्स ही रटा करे, नहीं, जितनी बार नजर के सामने पड़ जाएगी चीजें उतनी बार याद होंगी बेटा। ठीक है चलिए, तो तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में भारत आप लोग देखोगे 3874 तेंदुए हैं। ठीक है चलिए, और मध्य प्रदेश, चलिए मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सभी राज्यों में आप लोग तेंदुआ देखने को मिलेंगे। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का, ठीक है, 42वां आप लोगों को स्थान देखने को मिलता है और इसमें अमेरिका का पहला स्थान देखने को मिलेगा। चलिए अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट की मैं बात करूं तो भारत का 85वां स्थान आप लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का 38वां स्थान है। सिंगापुर और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर संयुक्त रूप से रखे गए हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किसकी? यूएसए की है। और इसमें इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो दिया गया है भारत की मिलिट्री को, वो चौथा स्थान। ठीक है, आप लोग देखोगे भारत चौथे नंबर पे भारत की मिलिट्री आती है इसके अनुसार। ठीक है चलिए, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का 93वां स्थान है भाई। अरे 53वां स्थान है भ्रष्टाचार में, करप्शन तो आप सब जानते हैं भारत की रग रग में दौड़ा हुआ है भाई। सही बता रहा मैं, हमको कुछ एक कील भी खरीदना हो कहीं से तो, मतलब सरकारी सिस्टम से, तो आप सब जानते हैं क्या होता है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 41वां, डेमोक्रेसी में 41वें नंबर पे सब। जलवायु परिवर्तन में आप लोग देखोगे भारत का 7वां स्थान है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खसरा रुबेला चैंपियन, सुनिएगा, खसरा और रुबेला चैंपियन, किसकी बात कर रहे बेटा? खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? खसरा और रुबेला, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि अमेरिका, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया। चलिए खसरा और रुबेला, खसरा और रुबेला, चलिए चलिए जल्दी से, खसरा और रुबेला, खसरा और रुबेला। ठीक है, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? क्या अमेरिका, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? चलिए बताइए, खसरा और रुबेला चैंपियन, खसरा और रुबेला चैंपियन, तो बच्चों इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, भारत को दिया गया, किसने दिया है? तो अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है दी मिजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप। ठीक है, इसी ने भारत को इस सम्मान से क्या किया है, नवाजा है साहब भारत को यह पुरस्कार। खसरा और रुबेला जैसे रोगों को आप लोग देखोगे रोकथाम के प्रयासों के लिए दिया गया है, हम लोगों ने खसरा और रुबेला को रोकने के भरसक प्रयास किए हैं, इसीलिए इसको दिया गया हम लोगों को। ठीक है चलिए, और इसको हमारी जो उपराजदूत हैं श्री प्रिया रंगनाथन ने इसको प्राप्त किया है। थोड़ा खसरा को देखिए बेटा, खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खसरा आप लोग देखोगे किस किसके कारण होता है, तो एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, मोरबीली आप वायरस देखोगे उसके कारण ये आप लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। कैसा होता है? तो स्किन आप लोगों की ऐसी हो जाती है इसमें, अरे स्किन इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, शरीर पर लाल धब्बे, खांसी, नाक बहना, नाक जो आप लोग बहती है और आप एजेस आप करते हो। ठीक है, आंखों में सूजन आदि लक्षण इसमें शामिल होते हैं। रुबेला खसरा का ही एक प्रकार है साहब, और रुबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। हाल ही में भूटान को रुबेला को समाप्त किया गया है, अभी हाल ही में भूटान में रुबेला को क्या कर चुका है, भूटान तो समाप्त कर चुका है। ये सारी बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए पता कर चुके हैं अभी हाल ही की कुछ। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों की सारी जानकारियां जो आपको पता होना चाहिए। देखो WHO ने एक अफ्रीकी महाद्वीप में पश्चिमी साइड वाले हिस्से में एक देश पड़ता है केप वर्दे, वह उसे मलेरिया मुक्त घोषित किया, अभी हाल ही की बात है बेटा, है ना। चलिए ठीक है, निमहांस जो संस्था है इसको WHO के द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, काला ज्वार मुक्त पहला देश बांग्लादेश बना है ना बेटा, तो चाल ये सारे फैक्ट जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला लेते हैं, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां की गई? देखो अभी अंडर वाटर चली थी, अब ड्राइवरलेस। ठीक है चलिए, कुछ दिन बाद तो प्लेन भी बिना ड्राइवर के उड़ने लगेंगे साहब, क्योंकि वहां तो खतरा बहुत कम है। ठीक है चलिए, एक बार बैठिएगा, ठीक है, बिना ड्राइवर वाले प्लेन में मजा आ जाएगा आप लोगों को। पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन क्या नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता या बेंगलुरु? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका 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 राइट आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से और सेशन को लाइक करो यार, बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से रिविजन हो रहा है ना आप लोगों का, या जो पहली बार पढ़ रहे हैं भाई तुझे इतना ही पढ़ना है। ठीक है, फालतू का फिर दूसरी चीज मत पढ़ना कुछ भी। ठीक है, मैं सब करा दूंगा, बस अली सर पे भरोसा रख के काम करते रहिए। ये कहाँ की बात है? तो बेंगलुरु की बात है। ठीक है, बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर, वेरी गुड, डी उत्तर दे रहे हैं जो बच्चों बेटा, बहुत शानदार बेटा। चलिए बेंगलोर में देखोगे, ठीक है, ये देखिए ये ट्रेन आ रही सामने से बेटा, ये जो ट्रेन आ रही ना, ये इसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा बेटा, सामने देख कोई नहीं है, ये AI से चल रही, किससे चल रही बेटा, AI से।
ठीक है चलिए, तो बेंगलुरु मेट्रो रेल आप लोग देखोगे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है और इस मेट्रो लाइन को येलो लाइन भी कहा जाता है साहब। चलिए अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रेल से संबंधित। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो चीन ने लॉन्च की है, याद रखिएगा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई? कलकत्ता, पीछे देखा है हम लोगों ने। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होगी कहां? हरियाणा के अंदर, है ना। चलिए तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा जो आप लोगों के लिए यहां पर लिखे गए हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का किताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड का, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का किताब किसने जीता है? चलिए चलो चलो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस वर्ल्ड कौन बनाए सर जी? मैंने बताया था आप लोगों को कि क्रिस्टीना पिज़ा कोवा, है ना। पिज़ा एक लड़की है जो बहुत पिज़ा और खोवा दोनों खाती है, टीना नाम की लड़की। टीना नाम की लड़की बहुत गंदी है, आप में से भी होगी तो नाक वाक ऐसे साफ करती होगी, ठीक है। चलिए, टीना पिज़ा खोवा दोनों खाती है, मिस वर्ल्ड। देखो ये रही आप लोगों की, ठीक है, चार चार है सर, इसमें से किसका तुक्का लगाएंगे? ठीक है, ये रही, अरे मैं भी भूल गया यार, हाँ ये वाली, ये वाली, ये वाली सबसे स्मार्ट लग रही है साहब, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आप लोग देखोगे 9 मार्च 2024 को हुई है साहब, ठीक है। इसका आयोजन आप लोग देखोगे मुंबई के अंदर हुआ, जियो कन्वेंशन सेंटर के अंदर, और ये इसका 71वां एडिशन था बेटा, और इसमें कुल 112 लोग शामिल हुए थे। और क्रिस्टीना, ठीक है, पिज़ा कोवा जो कि चेक गणराज्य की है। अच्छा, क्रिस्टीना पिज्जा खाती है और वो चेक करके खाती है कि ये बासी तो नहीं है साहब। अरे टीना पिज्जा खाती है लेकिन वो चेक भी करती है, तो चेक गणराज्य की है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है साहब? चेक गणराज्य की रहने वाली है, ठीक है। पहली बार भारत में मिस वर्ल्ड कब आयोजित किया गया था? तो 1996 में किया गया था, और इस साल जो 71वां हुआ है ये भी भारत में हुआ है। भारत की मिस वर्ल्ड विजेताओं के 6 ही का नाम देख लीजिए। रीता फारिया पहली, ये आप लोगों का स्टैटिक का फैक्ट है बेटा कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन रही है? रीता फारिया रही है, याद रखिएगा बेटा, काम का फैक्ट है ना, ठीक है। इसके बाद ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, ठीक है, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा भी रही हैं, और मनुषी चिल्लर भी आप लोगों को 2017 में बनती हुई दिखाई दी है, ठीक है। जो एक बार मिस वर्ल्ड बन गया फिर उसका, ठीक है, सीधा टिकट तय हो जाता है बॉलीवुड हॉलीवुड का, ठीक है, अच्छी बात है। आप भी ट्राई करना आगे चलकर, लड़के खासतौर पर मिस वर्ल्ड बनने की कोशिश करना। चलिए, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का किताब किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है, संतोष ट्रॉफी आप सब जानते हैं किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी। चलिए, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का किताब किसने जीता है? ठीक है, सर्विसेज ने, गोवा ने, कर्नाटक ने या केरला ने? चलिए बताइए, संतोष ट्रॉफी, ठीक है। संतोष, देखो जनसंख्या यहां से बढ़ नहीं रही भाई, सेशन को शेयर कर लो बढ़िया से, ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का किताब किसने जीता है? क्या सर्विसेज ने, गोवा ने, कर्नाटका ने या केरला ने? चलिए बताइए किसने जीता है इसे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है, ठीक है, सर्विसेज ने जीता है। और ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, कितनी बार बता चुका हूं मैं किससे संबंधित है बेटा? फुटबॉल। चलिए, ये आ गया फुटबॉल, ठीक है, ये आ गया फुटबॉल। चलिए तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है साहब, ठीक है। चलिए, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है, और ये संतोष ट्रॉफी का 77वां एडिशन था सर जी। और इसका विजेता कौन रहा है? तो सर्विसेज रहा है, ठीक है। इसका उपविजेता कौन रहा? तो गोवा रहा। टॉप गोल स्कोरर रहे फिजाम, ठीक है, साना थोई। चलिए, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी समीर मुर्मू रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? सयाद बिन अब्दुल कादिर, आपको सर्विसेज के ही देखने को मिल जाते हैं। चलिए, संतोष ट्रॉफी के बारे में बता दूं आप लोगों को। किसके बारे में बता दूं बेटा? संतोष ट्रॉफी के बारे में। 1941 से संतोष ट्रॉफी स्थापना हुई है, 1941 से ही आप हो रही है, इसीलिए ये 77वां आप लोग देखोगे इसका एडिशन था। सबसे सफल टीम कौन रही है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम तो बंगाल वैसे ही गले फुटबॉल का, 32 बार संतोष ट्रॉफी जीता है कौन? पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर भी संतोष नहीं है उसे, ठीक है। आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के द्वारा किया जाता है, और AIFF की स्थापना 1937 में की गई थी। ये सारे फैक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो सारे लिख के दे दिए गए। अब देखो बेटा, फुटबॉल से संबंधित सारी ट्रॉफियां जो होती है, तुम लोगों के बहुत काम किए बेटा, फीफा कप होता है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल में फुटबॉल में होता है, रोवर्स कप, सीजर्स कप, सुब्रत मुखर्जी कप, यूरो कप, डुरंड कप, मार्डेका कप और संतोष ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है बेटा? फुटबॉल से संबंधित है। तो तुझे मेहनत करना पड़ेगी फालतू नहीं, तुझे पीडीएफ लेना है। अच्छा, अली सर ने दे दिया है, बस रिवीजन 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 कर ले बेटा, तेरा काम बन जाएगा लल्ला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने,
पीएम मोदी ने किस राज्य में लचित बर्फुकन की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? साहब पीएम मोदी ने किस राज्य में लचित बर्फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? क्या त्रिपुरा, असम, मेघालय या नागालैंड? चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए और सेशन को शेयर करिए भाई। चलिए मैं भी करता हूं आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। जनसंख्या 300 के उस पार जाना चाहिए तभी तो मजा है, ठीक है। जनसंख्या 300 के उस पार जाना चाहिए, ठीक है, तभी मजा है भाई। चलो 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 जल्दी से अपने दोस्त यार भाई बहन सबको बुला लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा बेटा। पीएम मोदी ने किस राज्य में, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, असम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, असम इसका राइट आंसर होगा। चलिए असम के ही रहने वाले थे लचित, कई बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे कि लचित बर्फुकन कौन बंदा है। फोटो देखिएगा, ये बंदा, फोटो मतलब ये नहीं, ये तो ठीक है सुप्रीम है अभी बंदा, ठीक है। चलिए पीएम मोदी है हमारे, तो पीएम मोदी ने असम के एक जगह पड़ती है जोरहाट, वहीं पर एक, देखो असम के अंदर, असम के जोरहाट में एक डायनेस्टी रही अहोम साम्राज्य। कौन सा राज्य रहा बेटा? अहोम साम्राज्य। जब भारत में मुगल रहे ना बेटा, मुगल, उस समय असम के जोरहाट में अहोम साम्राज्य था और उसी के सेनापति थे लचित बर्फुकन। अरे उसी के सेनापति आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लचित बर्फुकन। ठीक है चलिए, तो ये आप लोगों को लचित बर्फुकन साहब। और सुनना, क्या सिर्फ इसीलिए इनकी मूर्ति बना दी है क्या बेटा? नहीं, मुगलों से लड़ाई हुई थी साहब अहोमों की, जो कि असम के यहां शासन था, और उनके ये एक सेनापति के तौर पे थे, कौन? लचित बर्फुकन। और मुगलों को धूल चटाई थी इस बंदे ने, इसीलिए इसका इतना सम्मान है। ठीक है चलिए, तो याद रखिएगा, और इन्हीं की मूर्ति बना दी गई है, ठीक है। आप लोग देखिए कितनी फुट ऊंची है भैया, 84 फुट ऊंची है। अब ये देखिए, ये कंटेंट तुम्हारे काम का बेटा, अभी हाल ही में स्थापित की गई मूर्तियां, ठीक है, स्टेचू की हम लोग बात करें तो देखो बेटा, सोशल स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, समझिएगा, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस कह लीजिए इसको, ठीक है, इसको हटा दो यहां से, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्वेश्चन आएगा बेटा, कहां स्थापित की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है ये वाली मूर्ति, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है ना, याद रखिएगा, ठीक है, सोशल जस्टिस। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई गई 21 फीट ऊंची हैदराबाद के अंदर। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में लगाई गई है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? क्या ओपेनहाइमर, ठीक है, पुअर थिंग्स, द होल्ड ओवर्स, द बॉय एंड द हैरान? चलिए राइट आंसर बताइए, ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर 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 ऑस्कर। चलिए भाई मनोज भाई, तुझे ब्लॉग होने का शौक आ रहा है क्या भाई? ठीक है, अच्छा भला बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, चाहता है कि ये अली सर इसको ब्लॉक मार दें, बिल्कुल एक ही एक मैसेज डालोगे तो अली सर ब्लॉक मारेंगे ही भाई। ठीक है चलिए पढ़ो बढ़िया से। चलिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ओपेनहाइमर। चलिए भैया ओपन, कोई बता सकेगा मुझे ओपेनहाइमर क्या है भैया? जो कमेंट में बताएगा उसको अभी इनाम दूंगा तुरंत इधर ही, जो सबसे पहले बताएगा कि ओपेनहाइमर क्या है। चलिए तो बच्चा पहले तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में देख लो, ये ऑस्कर 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 पूरी दुनिया इसके लिए मरती है साहब। जो भी कलाकार लोग होते हैं फिल्म विल्मों में काम करते हैं, ठीक है, उनका एक ही सपना होता है कि बस हमें एक बार ऑस्कर मिल जाए साहब। पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सम्मानित अवार्ड है साहब ये, अगर ये मिल गया तो लाइफ सेट बंदे की, ठीक है। तो चलिए, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ये अमरीका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है चलिए, और इसका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा किया जाता है अमेरिका के अंदर, और इसकी शुरुआत की गई थी आप लोग देखोगे 16 मई 1929 से, ठीक है, तब से ये दिए जा रहे हैं ऑस्कर अवार्ड। बच्चों 2024 में ऑस्कर अवार्ड की बात करूं तो इसका कौन सा एडिशन हुआ? 96 हुआ। आयोजन कहाँ हुआ सर जी? तो लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर, ठीक है, डॉल्बी थिएटर के अंदर हुआ 10 मार्च 2024 को, ठीक है, होस्ट किया जिमी किमेल ने, ठीक है। चलिए अब बात आती किसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किसे दिया गया यही बताना है।
एटॉमिक पावर से रिलेटेड है, बिल्कुल, बहुत शानदार अंकित बेटा, बहुत शानदार। ठीक है चलिए, बेस्ट पिक्चर कौन बनी है, तो ओपनहाइमर बनी है साहब। ठीक है, परमाणु के ऊपर आप लोग देखोगे, ओपनहाइमर साहब ने जो प्रेजेंट किए थे उसी के ऊपर ये बनी है। यह फिल्म परमाणु बम के जनक जो कहे जाते हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये मूवी देखने को मिलेगी। इसके निर्देशक क्रिस्टोफर नोलान थे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बना है, चलिए बताइए जल्दी से, यह बताना है आप लोगों को, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करने वाला देश कौन बन गया है साहब, क्या जापान, इंडोनेशिया, भारत या ब्राजील, चलिए कमेंट बताइए जल्दी से, कमेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 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 प्रवीण भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए अच्छा कोई बोल रहा सर मैंने मूवी देखी है, ओके बेटा ठीक है, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बना है, तो भैया भारत बन गया है बच्चा। एक दौर ऐसा था कि हम लोग मोबाइल के उत्पादन में दुनिया में कहीं नहीं थे, तो 200वें स्थान पे पड़े होंगे, सही बता रहा हूं भाई, लेकिन अब ऐसा दौर आ चुका है कि भारत चाइना के बाद, चीन तो सबसे बड़ा है ही, मोबाइल का मार्केट सबसे बड़ा चीन का हिसाब, लेकिन चाइना के बाद अब दुनिया में कोई आ रहा है तो भारत है। ठीक है हम लोगों ने हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसीज हम लोगों ने बदली, माल सारा चाइना का ही हिसाब बता दूं आपको, नहीं तो तुम लोग सोच रहे हो भारत अपना खुद का माल बना रहा, नहीं, हम सारा माल कहां से ला रहे हैं बेटा, चाइना से ही ला रहे हैं। ठीक है चाइना से लाकर असेंबल हमारे यहाँ हो रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर हो रही है। तो चलिए 2014 से लेकर 24 के दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। ठीक है चलिए, और 2024 तक भारत ने 97% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है मोबाइल बनाने के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, चलिए CAA लागू किया है, इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और या उपरोक्त सभी, चलिए किसको नागरिकता मिलेगी ये बताना है आप लोगों से CAA, चलिए बताइए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा भाटी, और ज्यादा समय नहीं लूंगा बेटा, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन फटाफट करवा दूंगा, मतलब ये समझिए 20-25 मिनट का सेशन और रहेगा, लेकिन इससे आप लोगों को जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं मार्च का, ठीक है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसकी PDF भी दे दूंगा आप लोगों को, इसके इतर आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है फालतू, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, इसका राइट आंसर है ये सभी, है ना। चलिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चर्चा करते हैं इस पर, सुनिएगा, केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया साहब, इसी के साथ ये कानून देश भर में लागू भी हो गया है। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून भी कहा जाता है। देखो बेटा CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बच्चा आप लोगों ने देखा कि इसका दो साल तीन साल पहले खूब विरोध भी हुआ, कोरोना काल से पहले की बात है, विरोध था भारत के अंदर जो मुस्लिम वर्ग रह रहा है, इसका भ्रांतियां फैलाई गई थी, सही बता रहा हूं मैं, सरकार की भी उसमें कुछ कमियां रही कि सरकार जनता तक मैसेज को पहुंचा ही नहीं पाई, या उनकी खुद की डिप्लोमेटी हो, कुछ डिप्लोमेसी हो कि नहीं, माहौल बनाने के लिए उनका चुनाव उनाव के लिए जो भी हो, लेकिन नियत साफ थी, जो भी हो स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा था, इसी कारण इसका विरोध हो रहा था सब, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि भैया जो भारत के अंदर रह रहे हैं उनकी कोई नागरिकता किसी की नहीं छीनी जाएगी। ठीक है चलिए अब सुनिएगा, आते हैं इस मुद्दे पर, CAA सरकार लेकर आई इसलिए कि जो हमारे तीन मुस्लिम पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां जो गैर मुस्लिम है, मतलब आप देखो गैर मुस्लिम मतलब कौन, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो हिंदू हो, अगर उन्हें धार्मिक तौर पे वहां प्रताड़ित किया गया तो वो भारत के अंदर आकर शरण ले सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, भारत की नागरिकता के लिए। CAA में ही पहले बच्चों आप लोग देखोगे, पहले हमारे यहां पर जो नागरिकता अधिनियम 1955 था,
ठीक है, उसके तहत किसी भी व्यक्ति को भारत में 11 साल रहना पड़ता था तब जाके उसको नागरिकता मिलती। जैसे आप लोग देखोगे अदनान सामी पाकिस्तान का है लेकिन 11 साल से अधिक भारत में रहा, उसको नागरिकता मिल गई, मुंबई में रहता है बंदा, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब उस बंदे को मात्र 6 साल ही रहना पड़ेगा जो उधर से आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल स्वीति, यही बात हो रही है बेटा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हैं इसके अंदर। तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। चलिए ठीक है, प्रिजकर आर्किटेक्चर का हम लोग बात करें, पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। चलिए रिकेन यामामोटो, यतीन भास्कर दुग्गल, टाइगर वुड्स या प्रदीप महाजन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलो चलो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की हम लोग बात करें, आर्किटेक्चर का नोबल भी इसे कहा जाता है, किसे दिया गया, तो रिकेन, ठीक है चलिए रिकेन यामामोटो को दिया गया है। ठीक है जापानी वास्तुकार हैं, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करते हैं, कौन, तो ये रिकेन यामामोटो। ठीक है प्रिजकर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, यही कहा मैंने आप लोगों को। ठीक है सुनिएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है, मतलब इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड है। ठीक है यह जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया, मतलब अपने यहां सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश मंगाता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए, तो क्या भारत, अमेरिका, फ्रांस या जापान। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है ना कौन बना है, सबसे बड़ा निर्यातक कौन है बेटा, मतलब हम लोग बात करें एक्सपोर्ट कंट्री कौन है, निर्यातक कौन है, सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है, ठीक है कौन बेचता है सब्जी, कौन बेचता है सबसे ज्यादा, तो बेचता है अमेरिका। ठीक है सबसे ज्यादा कौन बेचता है बेटा, अमेरिका, पहले अमेरिका ही तो बेचता है, इसीलिए तो लड़ाता है वो, क्योंकि उसका धंधा चलता रहे साहब। अरे अमेरिका क्यों करवाता है, इसीलिए उसका यह हथियार का धंधा चलता रहे साहब, सही बता रहा मैं। तब से अमेरिका हथियार के क्षेत्र में उतरा तब से उसने पूरी दुनिया को लड़ाया है साहब, ठीक है सही बता रहा, वास्तविकता है ये, हर जगह आतंक का फैलाने में अमेरिका का हाथ पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है चलिए, अमेरिका निर्यातक, अमेरिका बेचता है साहब, और भारत सबसे ज्यादा खरीदने वाला हो चुका है, सऊदी अरब को हम पछाड़ चुके हैं। ठीक है सऊदी अरब आप लोग देखोगे पिछले 5 साल का, मैं आप लोग बताऊं 2019-24 तक, तो भारत ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। इससे पहले सऊदी अरब सबसे ज्यादा खरीदता था साहब, ठीक है, अब भारत अब सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। ठीक है अमेरिका के बाद आप लोग देखोगे फ्रांस, फ्रांस भी बेचता है हथियार, ठीक है, इटली, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जीडीपी बहुत हाई है साहब, ठीक है, जितने भी हथियार बेच रहे हैं, ठीक है, और जितने लोग हथियार खरीद रहे हैं उनकी जीडीपी को देखिए। चलिए आगे आते हैं, एक संस्था है जिसका नाम है सिब्री, इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, इसने ये आंकड़े जारी किए हैं, इसने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, बीते 5 साल में सर्वाधिक हथियार भारत ने खरीदे हैं साहब। ठीक है सऊदी अरब को पछाड़कर भारत आप लोग देखोगे पहले स्थान पे आ चुका है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सिप्री के बारे में देख लीजिए जरा। ठीक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका गठन 6 मई 1966 को किया गया था। संस्थापक कौन है, तो डेज एयरलैंडर देखने को मिलेंगे, अल्वा माय, ठीक है, माय डल देखने को मिलेंगे। मुख्यालय कहां है, सोलाना स्वीडन के अंदर, और इसके प्रमुख कौन है, स्टीफन, ठीक है, लॉफ वेन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारी बातें जो सिप्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस, मतलब हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। चलिए अभी हाल ही में घोषणा की गई है हैदराबाद का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। ठीक है चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चा लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा बाटी, इसका राइट आंसर, चलिए तो 17 सितंबर देखो घोषणा की है, किसने की है, चलिए फोटो देखिए अमित शाह जी को। ठीक है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है, या हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने भारत में हैदराबाद को मिलाने में शामिल करने में जो जान गंवाई थी, हैदराबाद के निजाम को अपने अधीन लाने में।
ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था हैदराबाद के लिए, ठीक है ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, मेरे को याद नहीं है साहब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब बेटा देखो, हाल ही में घोषित किए गए कुछ दिवस, देखो बेटा पूरी लिस्ट है ना, पहले भी दी होगी मैंने, ऐसा नहीं है ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली आप लोग देखोगे जो जो डे आप लोग देखोगे अनाउंस होते जा रहे हैं, उनको लिस्ट को मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। बेटा समझ पा रहे हैं ना आप लोग क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, कि मेरे बच्चों तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके और उनको कोई समस्या ना आए बढ़िया से। और फिर बता दूं मेरी क्लास की खासियत है कि जीके जीएस स्टैटिक एक साथ चलता है साहब, है ना। चलिए तो देखो 25 नवंबर को हम नो नॉनवेज डे मनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भैया 25 नवंबर को कुछ भी नहीं खुलेगा, मुर्गा फुर्गा ये वो सब बंद, नॉनवेज डे होगा साहब पूरी तरीके से, ठीक है। नो 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 नॉनवेज डे है ना, मतलब नो नो खाना मत, नहीं तो घसीट के मारूंगा, बुलडोजर चला दूंगा साहब। 23 अगस्त को, क्योंकि आप चंद्रयान 3 23 अगस्त को ही पहुंचा था, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं सर जी 23 अगस्त को घोषणा हुई है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएंगे, 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाएंगे, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाएंगे, ये अभी हाल ही में घोषित किए गए दिवस है बेटा। 14 अप्रैल को समानता दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंका था नीरज चोपड़ा जी ने, भाला फेंक दिवस, चलिए, और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये क्या है अली सर, ये बता देता हूं बेटा, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ बेटा, और उस बंटवारे में जो भारत और पाकिस्तान, आप लोग देखोगे भारत से जो लोग जा रहे थे पाकिस्तान, और जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ था, तो उन जो लोग मरे थे उनकी याद में हम लोग इस डे को मना रहे हैं साहब, ठीक है। चलिए, और महाकवि दिवस 11 सितंबर को, कमेंट बॉक्स में ठीक है आप लोग ये जरूर बताइएगा कि महाकवि दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। चलिए, धूम्रपान निषेध दिवस 2024 ठीक है कब मनाया जाता है, चलिए बताइए धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है, क्या 13 मार्च, 14 मार्च, 12 मार्च या 11 मार्च, चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से, राइट 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 राइट, इसका राइट आंसर, ओह ऑपरेशन पोलो, गुड गुड, मैं तो भूल गया था। चलिए हाँ तनुजा, वेरी गुड, चलिए राइट 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 राइट, सेशन को लाइक शेयर कर लो बढ़िया से। धूम्रपान निषेध, चलिए कब मनाते हैं सर जी, तो धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, चलिए तो 13 मार्च को, ठीक है। ये जो सिगरेट विगरेट पीते हो ना तुम लोग, ठीक है, कैंसर वा होता है भाई, है ना, जो पिएगा वो जान खोएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक में, ठीक है 2022 के नाम से आया है ना, देखो तुम सोच रहे हो सर 24 चल रहा है और आपने ये ईयर गलत तो नहीं लिख दिया, जब लाया था रेगुलर करंट अफेयर में तब भी बताया था कि 2022 के लिए इंडेक्स आया है ना। चलिए, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, 108, 118, 128 या 138, लैंगिक असमानता, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी की बात हो रही है सर जी, मतलब कहां महिला और पुरुषों में, समझ रहे ना अंतर है सर, तो आप लोगों को कहां भारत की कितनी रैंक दी गई है इसमें, तो चलिए भारत का 108वां स्थान है, ठीक है। चलिए, और 2021 की जो रिपोर्ट आई थी बेटा 2021 की, उसमें भारत का 122वां स्थान था, तो मतलब हम लोगों ने जो जेंडर गैप है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या किया है, भरने का काम किया है, उसके अंदर जो इनइक्वलिटी थी उसको थोड़ा सा इक्वलिटी की ओर हम लोग लेते जा रहे हैं, आप लोग खुद भी महसूस कर पाते होंगे, ठीक है। आप लोग देखो ना, आपकी मम्मियों का दौर देखो और आपके पास आपकी जो बहन है छोटी सी लाडली है उसका दौर देखो, सब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को आपकी मम्मी से पूछना किस प्रकार की बंदिशों में वो लोग रहे हैं, ऐसा आप लोग आपकी बहनों के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलते। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी कुंठित मानसिकता से हैं, तो उसमें इसीलिए तो भारत अभी भी 108वें स्थान पे है, ये नहीं होता तो भारत फिर यहां नहीं होता, डेनमार्क पे पहले स्थान पे। तो बच्चा देखो, लैंगिक असमानता सूचकांक पहले नंबर पे डेनमार्क है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री है साहब, क्योंकि वहां पर महिलाओं और पुरुषों ये कोई ऐसा खेल ही नहीं है, सब कम कपड़े में घूमते हैं साहब, कोई किसी को घूरता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो यूएनडीपी ने बेटा, वैसे यूएनडीपी ने दो इंडेक्स जारी किए हैं, अरे यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इस पे भी चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से, इसने दो इंडेक्स जारी किए मार्च के अंदर, कौन कौन से, एक तो ये आप लोगों ने देखा, ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक, और एक और मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दो इंडेक्स इसके द्वारा जारी किए गए हैं।
भारत को इस वाले इंडेक्स में उसने, हम लोग बात करें जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो इसमें उसने भारत को 108वां स्थान दिया है 193 देशों में से, ठीक है। चलिए, और पहला स्थान किसको दिया गया? डेनमार्क को दिया गया, याद रखिएगा। चलिए, मानव विकास सूचकांक भी आ गया, इस पे भी हम लोग आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? चलिए बताइए, 134, 140, 125, 171। चलिए, मानव विकास सूचकांक, सुनिएगा बेटा, इसके विचार, इसका थॉट या इसकी अवधारणा किसने दी थी? सुनिएगा, इसकी अवधारणा दी थी, इसकी अवधारणा दी थी पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री, ले लो, ठीक है, पाकिस्तान मूल के रहने वाले थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे महबूब, ठीक है, महबूब, ठीक है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक साहब थे, डॉक्टर थे ये, ठीक है। चलिए, डॉक्टर इसलिए थे क्योंकि पीएचडी कर रखी थी, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक साहब पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि अगर हमें मानव का विकास करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, सुनिएगा, इन्होंने तीन आयाम बताए थे, ठीक है, किसके, ठीक है, किसके, तो मानव विकास के। महबूब साहब ने क्या कहा था कि भैया मानव का विकास करना है, उसको अच्छी शिक्षा दो, उसको अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा उसको स्वास्थ्य दो, और उसको एक अच्छी आय दो, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, ये तीनों चीजें तुमने दे दी तो उसका विकास हो जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं है कि कोई देश कितनी ग्रोथ कर रहा है, कोई कितनी ग्रोथ नहीं कर रहा, उसको ये तीन चीजें मिल रही ना, उसका विकास है साहब। तो इसी को आधार बनाते हुए 1990 में यूएनडीपी है ना बेटा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछे जा सकते हैं बेटा, सुनना, आए हैं क्वेश्चन, जीटी के अंदर बता दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आया है कि मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है। अरे कमेंट बताओ जल्दी से, निशा कुमारी बिल्कुल बेटा, लाइव चलती बेटा रोज क्लास, रोज 8 बजे लाइव चलती है करंट अफेयर की, सुनिएगा, तो यूएनडीपी जारी करती है साहब, कब से जारी कर रही है? 1990 में, दो इंडेक्स दिए हैं इसने, एक साथ जारी किए हैं, ठीक है, एक साथ जारी किए हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना, बस चलो क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, एचडीआई के द्वारा मानव विकास के तीन बहु बुनियादी पहलू, स्वास्थ्य, ज्ञान, जीवन स्तर में किसी देश की उपलब्धियों को मापा जाता है। भारत का इसमें 134वां स्थान यूएनडीपी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे, आइसलैंड है, हांगकॉन्ग है और डेनमार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सॉरी, थोड़ा सा यूएनडीपी के बारे में जान लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं बेटा, याद रखना। 22 नवंबर 1965 में बनाई थी ये संस्था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है अमेरिका, अचिम स्टीनर इसके प्रमुख हैं, काम क्या करती, गरीबी कम करने के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए, विकास करने के लिए और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने के लिए, डेमोक्रेसी, गरीब और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें होती हैं, जल पानी ये वो सब, इसके लिए ये काम करती है साहब जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इतना क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए बताइए जल्दी से, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? चलो चलो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, 2 सेकंड रुकना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, गुड 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 गुड, शानदार। चलिए क्या होगा सर जी, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो अहिल्याबाई नगर कर दिया गया, अहिल्याबाई, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को निजाम शाही वंश का शासन था एक समय में, निजाम शाही वंश का शासन था, उसी के एक राजा थे, एक किंग थे, ठीक है, राजा अहमद, ठीक है, अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह, उन्हीं के नाम पर आप लोग देखोगे जो महाराष्ट्र का अहमदनगर है उसका नामकरण किया गया था साहब, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका क्या किया गया था, तो नामकरण किया गया था, है ना। लेकिन महाराष्ट्र के आप लोग देखोगे, ठीक है, महाराष्ट्र में ही एक आप लोग देखोगे एक महिला,
ठीक है, ये इनको फोटो देख सकते हो आप लोग। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगरी कर दिया है। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की सबसे योगी शासिका थी, लेकिन अहिल्याबाई का जन्म आप लोगों को यही अहमदनगर के अंदर आप लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। तो सरकार ने इसीलिए इसका नाम बदल के क्या कर दिया है साहब, तो आप लोग देखोगे अहिल्या नगर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, चलिए चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। चलिए चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान की शुरुआत का किसके लिए की है, क्या राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। चलिए राइट आंसर बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो चलो बच्चा हर्षित शुक्ला, क्लास एंड होने में 10-15 मिनट और लगेंगे बेटा, है ना, 10-15 मिनट और लगेंगे अभी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन है, फटाफट कराऊंगा इसमें। चलिए कहाँ की बात है सर जी, हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ चुनाव आयोग ने मिशन 414 लेकर आई है, ठीक है, कहाँ 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 के लिए मिशन 414 आया है सब, ठीक है। चलिए दो सेकंड, थोड़ा सा लैपटॉप बंद हो गया था सामने इसीलिए थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाया। बेटा महाराष्ट्र में पड़ता है, कोई पूछ रहा सर अहमदनगर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर, सुनिएगा, हिमाचल हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग ने वहां पर चुनाव का या मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए वहां के 414, ठीक है आप लोग देखोगे, ठीक है, मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान कराने के लिए इसको लॉन्च किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है, 2021, 2022, 2023 या 2024। चलिए सबसे गर्म दिवस कौन सा घोषित किया गया है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयुपम, चलिए इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया गया है, चलिए इसका राइट आंसर दीजिए, चलो चलो जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा 2023 को, है ना, सबसे गर्म बताया गया, देखो क्या बोला गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 अब तक का सबसे गर्म साल, लगभग आप लोग देखोगे डेढ़ डिग्री आप लोग देखोगे बेटा, ठीक है, डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग देखोगे, ठीक है, जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी आई है इस साल, ऐसा मानना किसका है, तो यूनाइटेड नेशन का नाम, ठीक है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो वर्ल्ड, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, WMO, इसको आप लोग WMO को देखिए, ये आ गया बच्चा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहा जाता है। इसका गठन 23 मार्च 1950 को किया गया था, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल्ला अल मंडस है। सचिव कौन है, तो सेलेस्टे सोलो आप लोगों को इसके सचिव देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे और देखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जितने भी वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित, क्लाइमेट से संबंधित, जल से संबंधित या हम लोग बात करें भूभौतिकी संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसको यह देखने का काम करती है। कौन, तो WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसी के द्वारा बताया गया कि 2023 का जो साल है वो सबसे गर्म साल है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फिर से प्रतिज्ञा बेच आ गई, फिर बता रहा हूं बेटा, 1750 प्राइज हो चुका है, आज शाम तक ये प्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। 3 दिन की रिकॉर्डिंग देखोगे लेकिन वही सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी आप लोगों को इसमें, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, ठीक है, इसके बाद थ्योरी भी आप लोगों के लिए है, सारी चीजें आप लोगों के लिए, ठीक है, 27 तारीख को चालू हुई थी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जिसको भी चाहिए लेकिन यहां जरूर पूछ के ले साहब मुझे, है ना, बिना पूछे ना ले इसे, ठीक है, चलिए, क्योंकि बच्चे गलत सलत खरीद लेते हैं और अगर ले रहे हैं तो इस कोड को लगाएं Y766। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है। अरे सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है, ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है ये बताना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है, क्या दिल्ली, बीजिंग, पेरिस या न्यूयॉर्क, चलिए बताइए, चलिए कौन बनी है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए
कौन बनी है बेटा? तो दिल्ली बनी है। देखिएगा बेटा आप सारे आंकड़े देखिएगा, ये सारे काम किए बेटा तुम लोगों के। बेटा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है और इसमें दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित मतलब सबसे गंदी राजधानी कह सकते हैं। इस रिपोर्ट को स्विट्जरलैंड के एक संगठन IQAir के द्वारा प्रकाशित किया गया इस रिपोर्ट को है, याद रखिएगा है ना बच्चा। इसमें सुनिएगा कुछ फैक्ट है। बांग्लादेश दुनिया में सबसे प्रदूषित देश है, याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित देश कौन है सर जी? बांग्लादेश है। पाकिस्तान दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। भारत 134 देशों में तीसरा सबसे खराब, मतलब समझ रहे ना, पहला बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, तीसरे नंबर पे आता है साहब, ठीक है। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, चलिए। और दुनिया के शीर्ष 11 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 भारत के ही हैं साहब, हंसी आएगी आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? क्या जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका या बांग्लादेश? चलिए, टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन भारत के किस देश के बीच शुरू हुआ है यह आप लोगों को बताना है, तो चलिए बताइए। चलिए, टाइगर ट्राइम्फ यह अमेरिका और भारत के बीच में है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच आप लोगों को यह देखने को मिल जाएगी। यह 18 से 31 मार्च 2024 आप लोग देखोगे भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आप लोगों को यह होती हुई दिखाई देगी। अब कुछ सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज की लिस्ट बनी है, जैसे मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है, अयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है, दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये कुछ आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? हैप्पीनेस से आप लोग देखोगे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस, या 20 मार्च 21 मार्च 22 मार्च या 23 मार्च? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका 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 राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग सेशन को लाइक कर लो एक बार, सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चलिए सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, जल्दी। कब मनाया जाता है सर जी? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है सर जी, ठीक है, खुश रहने के लिए आप लोग देखोगे, ठीक है, इसे मनाया जाता है सॉरी 20 को, ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है ये, ठीक है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य खुश रहना, अपने जीवन में खुशी को महत्व देना, लेकिन ये तो खुशी तो छीन गई है साहब, खुशी आती है पैसों से, सही बता रहा, यही समाज हमारा मान चुका है, बिना पैसे के किसी चीज को महत्व नहीं दे रहा है। हमारे घर में जो नकारा व्यक्ति है उसका तो कोई महत्व ही नहीं समझते हैं साहब। चलिए अब कुछ मार्च देखो बेटा, पूरे मार्च के दिवस, अब तुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगी बेटा, नहीं, ठीक है, मार्च के सारे प्रमुख दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं, ठीक है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है, 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस, ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, है ना, इस पर डबल स्टार लगा रहा हूं, है ना, डबल स्टार। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित किए जाएंगे? चलिए बताइए, लोकसभा चुनाव, ठीक है, कितने फेज में आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, चलिए, चलो चलो जल्दी से, लोकसभा चुनाव कितने फेजेस में आप लोगों को होते हुए दिखाई देंगे, इसका राइट आंसर बताना है, चलिए बताइए जल्दी से, ठीक है, 10-12 मिनट और लगेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, 39 क्वेश्चन पे तो आ ही गए, अब तो फटाफट क्वेश्चन होंगे। कितने? तो 7 फेजेस में आप लोगों को, मैं खुद नहीं चाहता ज्यादा लंबी क्लास हो, इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं होता, इसीलिए जितना सिलेक्टेड हो सके कॉन्टेंट आपको देने की कोशिश है। चलिए, तो बच्चा 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई, मार्च में ही की गई है, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 फेज में किया जाएगा, ठीक है, लोकसभा 2024 में 543 सीटों पर चुनाव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चों आप लोगों के अली सर की नॉलेज फैक्ट्री के अंदर कुछ क्रिकेट स्टेडियमियों के नाम है, ये आप सब जानते हैं कि अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट का दौर है, ठीक है, जब आप लोगों की एग्जाम हो रही होगी तब IPL का फाइनल चल रहा होगा, सही बता रहा हूँ बेटा, काम के क्वेश्चन है ये, और मैं उसी चीज को महत्व देता हूं, क्योंकि मेरे से तुम लोगों को करंट अफेयर क्यों पढ़ना चाहिए ये भी आपको बता दूं, क्योंकि अली सर ने जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी है ना, इतनी जितनी भी CUT के लोग पढ़ा रहे हैं, मैं उनका पर्सनल तो नहीं जानता कितने हैं, लेकिन भैया सबसे बेस्ट है, ठीक है, UPSC के 2 मेन्स हों, उसके बाद PCS के 5 मेन्स, उसके बाद इंटरव्यू, सारी चीजें, समझ रहे ना, तो
तो एक अच्छा, तब आप लोगों को कंटेंट क्यों दे पाता हूँ इतना बढ़िया, क्योंकि अली सर ने सब पढ़ा है। ऐसा नहीं कि खुद खुद पढ़ के किसी से पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सही चीज कौन बताएगा? एक चीज सुनिएगा, कोई समुद्र है और उस समुद्र को आप लोगों को क्या करना है साहब? पार करना है। तो आप लोगों को कौन पार करा सकता है? जिसने खुद कभी तैर के पार नहीं किया है वो, या फिर वो जो तैरना सीख रहा है वो तुम्हें सिखाएगा तो तुम पार कर जाओगे, या फिर जो पीछे उधर पहुंच चुका है एक बार वो? ठीक है, तो चलिए। तो अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है साहब, वैसे इसी को पहले फिरोज शाह कोटला कहा जाता था। सुनिएगा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, मुथैया, ठीक है, अन्नामलाई चिदंबरम स्टेडियम, इसे एमए चिदंबरम भी कहा जाता है। ये कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। शायद पहला मैच यहीं से चालू हुआ था, आईपीएल यहीं से चालू हुआ था। ईडन गार्डन कहाँ है सर जी? तो कलकत्ता के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कलकत्ता ईडन गार्डन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। एमए एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे में है, और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। विराट कोहली वाला, आरसीबी वाला, ये वाला है ना, आरसीबी, आरसीबी है ना बेटा। चलिए, विराट कोहली वाला, आरसीबी वाला ये है। ठीक है, चलिए, आगे बढ़े। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? चलिए बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, विश्व जल दिवस, चलिए बताइए, विश्व जल दिवस। चलिए, 22 मार्च को, पीछे ही बताया था साहब मैंने, 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। चलिए, इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था साहब। 2024 में जो जल दिवस मनाया गया है, इसकी शांति क्या है? तो इसकी थीम क्या है बेटा? तो शांति के लिए जल आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आप लोग देखोगे, तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? क्या अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया या दक्षिण कोरिया? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आप लोगों को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? चलिए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दक्षिण कोरिया के अंदर। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, ठीक है, वहीं आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। कहाँ होता हुआ दिखाई देगा बेटा? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है साहब। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 के आसपास किया गया है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन अमरीका में हुआ था सर जी। ठीक है, पहला वाला कहाँ हुआ था? ये तीसरा वाला दक्षिण कोरिया में है। और इस 2024 वाले की विषय क्या है, थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए डेमोक्रेसी, किस प्रकार हम लोग लोगों को आगे चल के छोड़ के जाएंगे डेमोक्रेसी को। इसी के साथ आप लोगों को चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। हेती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? छोड़िए, 2 सेकंड रुकना। हेती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गरुड़ या ऑपरेशन विजय? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए चलिए, इसका उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका 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 राइट आंसर, ठीक है, प्रदीप भाई वो भी लाऊंगा, प्रदीप बढ़िया से लाऊंगा। ऑपरेशन इंद्रावती, सुनिएगा, हेती में हुआ क्या है? हेती, हेती है आप लोगों को एक कैरिबियन देश देखने को मिलता है बेटा। और वहां हुआ क्या बेटा? हिंसक जो ग्रह हैं, वहीं के जो देश के लोग हैं हिंसक, ठीक है, उन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर लिया साहब। तो वहां जो भारत के लोग फंसे हैं, इनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिएगा, अली सर की परीक्षा संजीवनी में या परीक्षा बूटी के अंदर आपको बताऊं, अभी हाल ही में जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन अमृत, ये केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग के नियंत्रित करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन अजय, इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, क्योंकि सूडान में गृह युद्ध हुआ था, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया था।
ऑपरेशन करुणा नौसेना द्वारा म्यांमार में चक्रवात राहत अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, और ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ये सारे ऑपरेशन देखो बेटा, सबकी लिस्ट दे दी तुम्हें, सबकी लिस्ट, बस आप लोगों को इसकी पीडीएफ लेना है, कहां से लेना है बता दूंगा। टेलीग्राम पे जाके करंट अफेयर बाय अली सर सर्च कीजिए, जो भी ग्रुप आए उससे जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 148वीं संसदीय सम्मेलन का, 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? क्या अमेरिका, जापान, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? क्या अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड? ठीक है, चलिए कहां किया गया सर जी, तो चलिए 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया है। ठीक है, भारत का इसमें प्रतिनिधित्व आप देखोगे, राज्यसभा के उपसभापति आप लोग देखोगे, कौन उपसभापति कौन है सर जी, तो हरिवंश नारायण, ठीक है, इनके द्वारा इसे किया गया है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा। चलिए, भारत में एमटीबीवैक टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है, यह किस रोग से संबंधित है? यह टीका किस रोग से संबंधित है बताना है भारत में, क्या तपेदिक, कोविड 19, हेपेटाइटिस बी या मलेरिया? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यही आप लोग बताना है। चलो चलो जल्दी से, राइट 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 आंसर क्या होगा बेटा, तो तपेदिक, टीबी के लिए बेटा। तपेदिक मतलब क्या होता है, और एक चीज बता दूं, 24 मार्च को सुनना, 24 मार्च को, ठीक है, विश्व, ठीक है, विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है ना, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व आप लोग देखोगे, ठीक है, टीबी दिवस मनाया जाता है, चलिए ट्यूबरक्लोसिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी है, इसने तपेदिक टीके एमटीबीवैक वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण चालू कर दिए हैं। भारत बायोटेक के अनुसार टीबी का यह पहला टीका है, अगर आपके आसपास किसी को टीबी हो तो अब कह देना भैया डरना नहीं है, उसके लिए भी वैक्सीन आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? क्या भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? चलिए बताइए, ठीक है, किसके द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? तो बच्चों ये लॉन्च किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया बेटा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया बच्चा? तो दिव्यांगों को आसानी से मतदान सुविधाएं मिल जाए और मतदान केंद्रों पर, ठीक है, सुविधाओं का वो लाभ उठा सके, कौन? दिव्यांग। इसी के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और 45% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों घर से मतदान कर सकेंगे, इसके लिए डाक मत पत्र वाला सिस्टम लागू है जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया था। चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की जा रही है? चलिए कल शायद परसों के दिन ये क्वेश्चन किया था मैंने, अरे किस 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 को, किस केंद्र शासित प्रदेश को, चलिए बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की जा रही है? क्या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या लक्षद्वीप? चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की जा रही है? इस खबर को मैंने पूरा कवर किया है आप लोगों से। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए और फिर बता दूं, ये क्लास रोज चलती है बेटा। कब चलती है अली सर? तो रोज चलती है सुबह 8 बजे, ठीक है, वीकली करंट अफेयर भी होता है, सब सारी चीजें होती हैं, और जीके जीएस भी रोज कराता हूं बेटा, है ना। चलिए, जो बाद में रिकॉर्डेड देखें उन सभी को बता दूं आप लोगों को, सुबह 8 बजे लाइव जितने आ सकें ज्यादा आया करें बच्चा लोग, अली सर को थोड़ा सा सपोर्ट किया करें। चलिए, तो पूर्ण राज्य किसकी बात है बेटा? लद्दाख, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है आप लोगों से, कौन तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, सोनम वांचुक हैं ये, ठीक है। उनसुक वांगड़ू आप लोगों ने सुना होगा, आमिर खान की जो 3 इडियट मूवी आई थी, ठीक है, आमिर खान ने इन्हीं का रोल किया था, ठीक है, बीटेक इंजीनियर हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा लद्दाख के अंदर आप लोग देखोगे पूर्ण राज्य को लेकर अनशन पर बैठ गए थे साहब, ये 6 मार्च से अनशन पर थे, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में इनका अनशन जो था वो तोड़वा दिया गया है, लेकिन ये आंदोलन चलता रहेगा। वांगचुक जी लद्दाख के लोग कुछ मांग कर रहे हैं साहब, क्या मांग कर रहे हैं? कि लद्दाख जो है वो उसका अभी तक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि लद्दाख, और आप लोग देखोगे लद्दाख किसके साथ था अब तक? जम्मू कश्मीर के साथ था, ठीक है, लेकिन आप लोग देखोगे 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा तो लद्दाख को अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर से और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब केंद्र शासित प्रदेश बना तो अब लद्दाख के लोगों को लगा कि नहीं, अब हमारे लिए कुछ हो रहा है, तो
तो अब ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो हम क्या चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए। सर जी इनकी कुछ मांगे क्यों, क्योंकि हम अब तक नौकरियों में हमको आरक्षण नहीं मिला है। स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं ये, ठीक है। लेह और कारगिल जो इनके दो जिले हैं, ठीक है, उनमें एक एक संसदीय सीट होनी चाहिए और लद्दाख में संविधान की 8वीं अनुसूची को लागू किया जाए। चलिए इसी मांग के साथ, हाल ही में किस एशियाई देश में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित कर दिया गया है, चलिए बताइए, ठीक है। हाल ही में किस एशियाई देश में समलैंगिक विवाह, ठीक है, पारित कर दिया गया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड या कंबोडिया, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अभिजीत, जनरल अवेयरनेस और जीके, बेटा ये मैडम ही बता सकते हैं यार, मैडम से एक बार पूछ लो, ठीक है, मैडम से एक बार पूछ लो, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, थाईलैंड होगा, ठीक है, थाईलैंड होगा। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया है, चलिए। और वही कुत्ता कुत्ती कल्चर जो आगे बढ़ रहा है इन दिनों, आप सब जानते हैं। और इस बिल को वहां की थाईलैंड की निचले सदन ने 10 के मुकाबले में 399 मतों से इसको पारित कर दिया है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ताइवान, थाईलैंड और नेपाल, ये तीनों आप लोगों को समलैंगिक विवाह को लागू कर दिए हैं। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, क्या पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या ब्रुसेल्स में? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये ब्रुसेल्स में। कहां बेटा, तो ब्रुसेल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेल्जियम के अंदर, ठीक है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 34 देशों के नेताओं ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है बेटा। तो चलिए किस उद्देश्य के साथ में हुआ है ये, तो सतत विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस प्रकार हम लोगों को परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है, इसी उद्देश्य के साथ में यह हम लोगों को आगे आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके बारे में देख लो आप लोग जरा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका गठन 29 जुलाई 1957 में हुआ है, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और इसके सदस्य कितने हैं, तो 178 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड होता है बच्चा, मैंने कहा था, ठीक है, आप लोगों से कि 1.5 घंटा लूंगा, 1 घंटा 31 मिनट हुआ है साहब, पूरा बस यही आप लोगों को करना है बच्चा, ठीक है, यही सारी चीजें आप लोगों को करना है। अभिजीत बोल रहा सर, अली सर कोई जीके जीएस नहीं बेटा, अभिजीत मेरे पे ट्रस्ट रख बेटा, है ना, बढ़िया करवा दूंगा यार बेटा, सही बता रहा मैं, मुझे थोड़ा सा 15 तारीख के आगे जाने दो, 15 अप्रैल के आसपास मैं आप लोगों के लिए अलग से जीके जीएस के सेशन लेकर आऊंगा, टेंशन ना लो, अलग से, ठीक है। तुम बुक पढ़ते रहोगे, तुम जो चीज तुमको पढ़ना चाहिए ना जनरल टेस्ट में, तुम वो पढ़ ही नहीं पाओगे यार, सही बता रहा मैं। बस तुम्हारे नंबर ना आए ना, जैसे मान लो 20 क्वेश्चन आए जीके जीएस और करेंट अफेयर के, तुम्हारे 20 ही सही ना हो तो बताना, या मिनिमम 18, कम से कम 1-2 क्वेश्चन गलत होने की तो वो रहे, इतने क्वेश्चन सही करवा दूंगा बेटा, सही बता रहा। बस आप लोग अली सर पे भरोसा रखो यार, मुझे तुम ट्रस्ट तो रखो कि नहीं ये बंदा करके दिखाएगा, ठीक है, सही बोल रहा अभिजीत बेटा। बच्चा आदित्य यहां यहां देख बेटा, पीडीएफ चाहिए ना, तो देख मेरी बात सुन, मैं यहां प्लेलिस्ट भी दे दूंगा आपको, देखो न, और हां सभी लोग सुन लो, जाना नहीं है भाई, शाम को 6 बजे जनवरी का पूरा करंट अफेयर है जनवरी का, तो देखो मैंने नवंबर करा दिया, दिसंबर करा दिया, उसकी लिंक डाल दूंगा मैं यहां टेलीग्राम पे, करंट अफेयर बाय अली सर सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल, जो भी अभी डाल दूंगा, नवंबर दिसंबर दोनों, जनवरी का शाम को 6 बजे कराऊंगा, मार्च का आज करा दिया, फरवरी का अगले संडे करा दूंगा, बचेगा सिर्फ अप्रैल, ठीक है भाई। अच्छा अभिजीत बोल रहा है कि अली सर बेस्ट बुक है, ओके अभिजीत, ठीक है भाई अभिजीत सम्मान। चलिए इधर देखिएगा, करंट अफेयर भाई अली सर, यहां पर आप लोगों को और आप लोगों को प्रतिज्ञा बेच के बारे में बता दूं बेटा, ठीक है। आज आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च है, कल से नया साल चालू होगा, ठीक है। हम लोगों के जो भी संस्था है, ठीक है, अड्डा 247, इसने 1750 का प्राइस कर दिया है प्रतिज्ञा बेच, ठीक है, जिसको भी लेना हो भाई यहां संपर्क कर ले, ठीक है, यहां संपर्क कर ले, ठीक है, या फिर खुद से खरीदे तो ये कोड लगाए Y766,
ये क्यों प्रतिज्ञा लेना चाहिए भैया? तो आप लोगों टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, थ्योरी, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ओके ओके। लुबाना बोल रही सर जियो की क्लास, बेटा कल से चालू कर दूंगा। लुबाना बेटी जियो कल से चालू कर देंगे। ठीक है, ओके ओके शिवम, ओके बेटा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूं आप लोगों से, जिसको भी बेच लेना हो, जिसको भी, बाकी कोई प्रेशर, आप प्रेशर में कोई आ रहे हैं ठीक है, लेकिन जिसको भी, जो भी ले बिना पूछे मन से ना ले यार, क्योंकि वो इंग्लिश का खरीद लेना फिर बाद में बोलते हैं सर चेंज करवा दो, ये करवा दो, है ना। तो सबसे अच्छा पूछिए और ले रहा हो तो फिर ठीक है, सब देखभाल के, और Y766 फैकल्टी कोड लगाइए, इतने की ये बैच मिल जाएगी आज आप लोगों को। ठीक है, 31 मार्च आज ही मिलेगी, नहीं तो कल तुम लोग कहो फिर कि सर इतने की मिल रही है क्या, कल नहीं मिलेगी भाई, ये आज है सिर्फ, है ना। चलिए ठीक है, चलिए हाँ हाँ हनुमान बिल्कुल बेटा, चलिए बाय बाय बच्चा लोग, सभी सेशन को लाइक कर दो, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।